बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, बारिश हल्की फुल्की लगी हुई है और मैं अपनी मुर्गियों के लिए दाने लेके आ गई हूँ ताकि मैं उनको दाने डाल के उनको खोल सकूँ सुबह सुबह, क्योंकि मुर्गियाँ तो कमरे में बंद नहीं रह सकती। उन्होंने यहाँ अंदर बहुत ही गंद मचाया होता है, इसलिए उनको मुझे सुबह सुबह निकालना होता है। ये देखें कैसे छलांगे लगा लगा के आ रहे हैं ये सारे। तो ये मैं उनके आगे दाने डालने लगी हूँ, तो मैं भी शरारतें कर रही हूँ, कहीं ला के दानों को बुला रही हूँ, मुर्गियों को आ जाएं आप भी इधर। तो ये मैंने उनके आगे दाने डाल दिए हैं और ये सुल्तान और इनका जो है खा रहे हैं साथ में। दूसरी मुर्गी दो मैना भी आ गई हैं और इनका ने जो कहते हैं ना अपना शुरू कर दिया है बाकी मुर्गियों को मारने की जगह, रेशमा की जगह उसने ले ली है ये। तो अब बड़ी बड़ी जो है वो इनका बन रही है, देखें कैसे चुटकी के पीछे लगी है बेचारी है, और चुटकी बेचारी उधर भाग के चली गई है, ये उसको बहुत ही पीछे लगी रहती है। और तीसरी मुर्गी वो पता नहीं किधर गई है, ये यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ वो ये यहाँ अंडे देने अंडा देने के लिए बैठी हुई हुई, तो मेरे आवाज़ सुन के निकल आई है, देखते हैं। नहीं अभी तो इसने अंडा नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर ये देखें बाहर निकल गई। चलो अच्छी बात है, दाने खा लेगी ये इधर, कल भी ये इधर ही बैठी हुई थी, आज भी इधर ही बैठी हुई है, और मेरे आने की वजह से ये दानों की तरफ आई है। तो बाद में फिर शायद इसको दाने मिलते ना मिलते, इसलिए बेहतर है कि ये अभी आ गई है तो ये आराम से अपने दाने खा लेगी मुर्गियों के साथ। तो आज रेशमा का मसला है, रेशमा को हम कमरे के अंदर ही दाने डालने पड़ेंगे हमें। तो ये देखें ये दाने खा चुकी हैं रेशमा, उधर ही उधर अंदर ही डाल देंगे इसको। और आज मैंने बनाए हैं आलू की कटलेट्स, क्योंकि आज बच्चों को छुट्टी हो गई थी, वो रहन तो जाती पैदल है, बारिश की वजह से नहीं जा सकी, और राफे जो है वो लेट हम लोग गए हैं और वैन जो है राफे की निकल गई थी, तो इसलिए आज छुट्टी हो गई है। तो बच्चों ने फरमाइश की है कि कटलेट्स बनाएं, तो ये मैंने बनाए और देखें कितने ज़बरदस्त और टेस्टी हैं। ये राफे को हम टेस्ट करवाते हैं, राफे कैसे हैं? यम्मी, वाह, राफे के हैंड हुरैन को देते हैं। हुरैन अब तुम बताओ कैसे हैं? हाँ, हुरैन को भी पसंद आए, इसका मतलब है कि दोनों को ये बहुत अच्छे लगे हैं और बनने भी बहुत ही लजीज और मज़े के हैं। ये आप देख सकते हैं ये कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक है। ये साथ में मैंने अंडा और जो है मैदा उसकी जो बची हुई थी तो वो मैंने थोड़ा सा बना दिया राफे के लिए। तो ये देखें ये कबाब जो हैं कितने ज़बरदस्त फुली कबाब बन गए हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट दे रहे हैं ये। ये आप देख सकते हैं बारिश की वजह से मुर्गियाँ बेचारी सारी इधर गठी हो गई हैं और हवाएं भी तेज़ तेज़ चल रही हैं, बारिश जो है वो भी काफ़ी लगी हुई है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बूंदाबांदी जो है वो स्टार्ट है, जिसकी वजह से जानवर जो हैं वो सारे कमरे के अंदर ही हैं और उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है। इधर सुबह सुबह मैंने मुर्गियों को दाने डाल के बाहर निकाल दिया था, ये तो बाहर आ गई हैं, लेकिन जो है बाकी जानवर थे वो कमरे के अंदर ही हैं। ये आप देख सकते हैं ये पानी 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 हो गया है और बाकी जानवरों ने इतना शोर नहीं मचाया हुआ। सबसे ज्यादा अगर कोई शोर कर रही है तो वो है पिंकी, पिंकी ने हंगामा क्रिएट किया हुआ है। और ये देख सकते हैं आप इन्होंने कितना यहाँ पे गंद डाला हुआ है, सारा इनका चारा इधर उधर हुआ हुआ है, ये खा भी नहीं रही। तो ये लोग खाओ ना इसको, क्या बनाया हुआ दोनों ने, ये देखे कुछ इधर इन्होंने गिरा दिया ये चारा, क्योंकि ये बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए इन्होंने भी इधर क्या गंद बनाया हुआ है, सारा चारा इधर बिखरा पड़ा हुआ है, कोई इसका हाल नहीं है, क्या करूं इनका आज। पिंकी क्या है, क्यों इतना शोर कर रही हो? और ब्लैकी ने चलो ये खाया नहीं, लेकिन ब्लैकी ने अपना चारा बहुत ज्यादा खराब नहीं किया। ये देखे इधर ही है इसका पड़ा हुआ, इन्होंने तो सारा गिरा ही दिया, कुछ इधर इन्होंने गिरा दिया है कुछ उधर, और वो बेचारी मैना भी इधर अंदर आई हुई है बारिश से बचने के लिए, ये सारे इधर गुस्से हुए हैं। और पता नहीं मुर्गियों ने अंडे भी दिए हैं कि नहीं, आज तो कमरे से बाहर निकलना ही नहीं हो रहा, इतनी ठंड है और सर्दी है और बारिश लगी हुई है। ये देखें जी मुर्गी बैठी हुई है अंडा देने के लिए भी, तो यहाँ से बेहतर है कि हम पीछे ही हट जाए, क्योंकि तो अंडा जो दे रही है वो भी नहीं देगी। ये देखें ये उठी पड़ी है, बैठी रहती ना बेवकूफ, भाग गई है, अब अंडा दे दिया है इसने, ये पड़ा हुआ है ये देख सकते हैं, ये अंडा इसने दे दिया है, तो मैं समझूं कि अंडा नहीं दिया और इसी तरह भाग के निकल आई है। ये देखें ये बेचारी सारी गीली हो गई है और ये यहाँ पे खड़े हैं, क्या करूं बाहर भी निकाल सकती, क्या मसला है पिंकी क्यों शोर कर रही हो?
चुप करके खड़ी हो जाओ और खाओ अपना चारा। चलो तुम नहीं खा रही, दर्पण के आगे कर दो, दर्पण को देखेंगे कैसे लपकी हुई है और इसको खाने की कोशिश करी है। तो सामने रख लो, ये लो खा लो आराम से। आगे डाल के गई थी, तुमने सारा गिरा ही दिया। ये देखें, ये हटो, आगे से हट भी नहीं रही है और बहुत ही अजीबो गरीब हालत बनाई हुई है। इधर रेशमा के बच्चों ने भी पिंकी की तरह, उन्होंने भी शोर मचाया हुआ है बहुत ज्यादा। उन्होंने ये देखें, यहाँ तक उनकी आवाजें आ रही है। हालांकि मैं सुबह दाने डाल के चली गई थी, इनका अंदर ही कमरे में, इधर ही नहीं, केज के अंदर ही। और ये देखें, ये इन्होंने कितना हंगामा क्रिएट किया, ये देख सकते हैं किस तरह ये घूम रहे हैं अंदर। इनको भी है कि हमें बाहर निकाले, लेकिन कैसे बाहर निकालूं, बाहर बारिश लगी हुई है और ये देख सकते हैं पानी पानी हुआ हुआ है चारों तरफ। तो इनको मैं बाहर भी नहीं निकाल सकती इतनी तेज बारिश में, तो इसलिए इन्होंने कमरे में बहुत ज्यादा शोर मचाया हुआ है। और ये देखें, ये देखें, ये और वो इनका देखें, वो कहाँ पे चली गई है, किचन के उधर ऊपर बैठी हुई है। और ये इन्होंने आज बहुत गंद बनाया हुआ है। और यहाँ पे हमारी मानो ने किसी परिंदे पर अटैक किया है, और ये देख सकते हैं उसके पंख इधर पड़े हुए हैं। वो देखें, वो अपना शिकार लेके इधर अंदर घुस गई है। अभी चल के देखते हैं कि उसने क्या किया है, क्या किस चीज को मारा है। आज सर्दी में उसने भी, ये देखें जी, ये कुछ खा रही है इसने, कोई मैना जो है मेरे घर में मार दी है। ये क्या किया है मानो, आ तुमने पालो, क्या हुआ है, क्या हुआ है मानो को। ये देखें, ये इसने मैना को मार दिया है। ये हम लोग चेक करते हैं इसको सही तरह से, बारिश तेज हुई हुई है। और ये देखिए, ओ नो, बुलबुल थी, ओ शिट, ये इसने क्या किया है। ओ ये तो बुलबुल बेचारी को मार दिया है इसने, शिट यार। ये देखें, बेचारी बुलबुल थी, ये क्या किया है तुमने मानो, ये आज इसने बहुत ही बुरी हरकत की है। ये इसने क्या किया है मानो, बारिश में बुलबुल बेचारी को मारी गई है, क्या किया है। ये देखें बेचारी का क्या हाल इसने बना दिया है। ये ओ नो शिट यार, ये इसने बुलबुल को मार दिया है। ये मानो ने आज कैसी हरकत सीखी है, किधर गई हो, निकल गई है या इधर ही बैठी हुई है। ये बैठी हुई है ना, ये देखें, ये इधर बैठी हुई है। ठहरो तो मैं तुम्हें ठीक करती हूँ। मानो ये क्या किया है, ओहो नो, ये आप इसको आदत अगर पड़ गई तो ये चूजे भी नहीं छोड़ेगी राफे। ये क्या हुआ है, क्यों तुम डर रहे हो आज, अभी राफे को मुर्गी से, ओए होए, ये इनका जो इधर वो आ गई है अंडा देने के लिए, और राफे खुद ही कांप रहा है। ये देखें किधर भाग के चला गया है मुर्गी से, और इससे डर रहा है। ये क्या हुआ है, क्या हुआ है राफे, कुछ नहीं होता, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये देखें, ये क्या किया इसने, शिट यार, बहुत प्यारी बुलबुल है, बहुत प्यारी बुलबुल थी। और ये जोड़ा आता था यहाँ पे, दरख्त पे बैठते थे और मैं इनको आगे रोटी वगैरह डालती थी ना, ये साथ में इधर मिल के खाते थे। और ये इसने क्या कर दिया, इस बेचारी को मार ही दिया है, कैसे कहीं इस पे अटैक किया है तुमने मानो, इतना गुल किया इसका कलर ही ऐसा है ना, कलर ये इसके कलर ही ऐसा है, हूं ही निकल रहा, ये कलर है इसका ऐसा ही। मुझे इसका बहुत ही अफसोस हो रहा है, अगर मैं थोड़ी देर पहले निकल आती तो शायद ये बच जाती, क्योंकि आवाज़ जू ही आई है शोर की तो मैं अंदर से भागी बाहर आई हूँ, क्योंकि बारिश अभी तेज़ हुई हुई है तो यहाँ बाहर हम खड़े भी नहीं हो सकते। तो ये बहुत ही मानो ने बुरा काम आज किया है, और ये अब छोड़े बच्चों की वो भी नहीं, रेशमा के बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जब इसने ये अब हमला करना शुरू कर दिया परिंदों पे तो अब ये नहीं छोड़ेगी। अच्छे खासे जो हैं वो, ये इसने गंदे काम छोड़े हुए थे, पता नहीं कहाँ से ये गंदा काम इसने सीखा है आज, ये समझ नहीं आ रही कि इसने क्या किया है, इस बेचारी को मार दिया है। तो चलें खैर,
इंशाल्लाह फ्रेंड्स कल मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जहाँ रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखें।